स्वधानं सर्वधर्मानां जैनं यतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नम्योऽङ्गिनं वीरम् अनन्तवर्णां दर्शन् सहवम्। केवली श्रुतकेवली सर्वाग्निशासन् जयवन्तिवरिते निरगन्तशासन् जयवन्तवरिते जयीवाव्यविच्छिन्न रहिताय मन में सर्व शासन जयवंत वरति। वाशुपूज्य श्री मल्लिजिन नैमी पार्श्व महावीर बाल ब्रह्मचारी सुजिन नमस्मिते बहुपीर बाल ब्रह्मचारी प्रभो नैमनाथ भगवान चरण कमल में मैं नमो कुशम। सर्वगिशासन जयवंतिवर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंतवर यही भावे अविचिन्न रहिताय मन में सर्वगिशासन जयवंत। शशनायक श्री महावीर भगवान की, मूली नायक चंद्र प्रभु भगवान की, परम विरागी भगवान बाल ब्रह्मचारी नैमनाथ भगवान की, समस्त वितरागी निर्गंत मुनराजो की। भगवान नैमनाथ का आज जन्म और तप कल्याणक है। कल्याणक कल्याण स्वरूप के आश्रय से जिन्होंने अपने कल्याण स्वरूप को जाना है और कल्याण स्वरूप को जानते हुए कल्याण को प्राप्त हुए और उस कल्याण को प्राप्त अर्थात शुद्धोपयोगमयी परिणति को प्राप्त हुए तब जगत के जीवों को भी कल्याण में निमित्त हुए। अतः उनके जन्म आदि कल्याणक हैं। परद्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा को जानना मानना और उसी में रमना यही कल्याण यानी भला करने का उपाय है। जो भले हुए हैं हो रहे हैं होंगे अथवा जिनने अपना कल्याण किया है कर रहे हैं और करेंगे वे कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से ही कर रहे हैं। अगर आप अपने स्वाध्याय 299 कलश को याद करें नियम सार का तो जो आत्मा की आराधना रहित जीव है वे शापराध हैं। इसलिए मैं आनंद मंदिर आत्मा को नित्य नमन करता हूँ। जिन्हें आत्मा की आराधना नहीं की है वे जीव ही अपराधी है
अर्थात उनका कभी कल्याण नहीं होगा, वे कभी सुखी नहीं होंगे। तो प्रभु का जन्म कल्याणक वा जन्म भी कल्याणक होता है, जिसमें जन्म मरण से रहित आत्मा देख लिया जाता है। जिन्होंने जन्म मरण से रहित अपने आत्मा को देखा है और जन्म संतति विनाशी है, उनके जन्म कल्याणक का निमित्त पाकर अनेक जीव भी अपनी जन्म संतति का अभाव कर लेते हैं, अतः उनका जन्म भी कल्याणक है। कल्याणी स्वरूप आत्मा ध्याऊं, नैमीश्वर का कल्याण मैं भी जन्म संतति नासु, प्रभु का जन्म कल्याण। प्रभु के अभिषेक सुमेरु पर इंद्रादिक द्वारा किया गया था, तुम भी आज जन्म कल्याणक है। तो ध्रुव सुमेरु पर अपनी परिणति को विराजमान करके, परिणति रूपी नैमि तीर्थंकर को विराजमान करके अतिंद्री आनंद के कलसा ढालना, तो जिनेन्द्र का अभिषेक हो जाएगा। जन्म कल्याणक सुमेरु जैसे अचल होता है, ऐसे ये भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है, जो प्रभु है परमेश्वर है, ऐसा जो कारण परमात्मा है, वो कारण परमात्मा पर अपनी वर्तमान पर्याय को ध्रुव पर बिठाओ, बिठाओ मतलब उसमें लगाओ, उसका आश्रय लो, तो अतिंद्री आनंद के कलसा ढलेंगे। तो भगवान नैमनाथ का जन्म कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। जनिमे श्री नैमीश्वर शावी व्यों के ही मैं आनंद छाया परमानंद छाया। नर की जीव भी जन्म कल्याणक मनाते हैं कल्याण वही आत्मा देखकर। उनको जब साता आती है कि आज नैमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हुआ है, तो वो नैमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक जो है वो इंद्रों के आसन को तो हिलाता ही है, पर नारकियों को भी हिलते हुए शांत कर देता है। जो भोग भी बैठे थे उनको तो हिलाया, कहाँ बैठे हो, चलो भगवान को जन्म कल्याण। और जो रोगी थे अचल घबरा रहे थे, हिल रहे थे, उनको अचल कर दिया, शांत कर दिया, शांत हो जाओ, भगवान का जन्म कल्याण है। नहीं आई समझ है? ओ, जो भोगों में मग्न इंद्रादिक हो, स्वर्ग में भोग ही तो है, और क्या रोग है। भगवान अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, जैसे किसी पे खोलता हुआ घी डाल दिया जाए, ऐसे स्वर्ग के सुख है। आसन हिलता है, क्या हो रहा है मेरे आसन को, इसलिए हिल रहा है कि अब बैठे मत रहो, चलो भगवान का जन्म कर लिया। हाँ, और जो हिल रहे थे उनको अचल कर दिया, मत घबरा, भगवान का जन्म कर लिया। वे सोच रहे हैं ऐसी साता तो हमने कभी नहीं पाई, आज साता आई कहां से, कि जिनने ज्ञाता ध्याया है उनके पुण्य परमाणुओं की ये साता है। जिनने ज्ञाता ध्याया और ज्ञाता में बंधा हुआ, ज्ञाता की ध्याया तो ज्ञाता में नहीं रह पाए, तब ज्ञाता से बाहर आए, तब अंदर में ये भावना आई कि सकल जीव भगवान आत्मा में मगन हो जाए, तो पुण्य बदा तो तीर्थंकर प्रकृति बदी,
पुण्य परमाणु सर्व जीवों को जन्म के काल में ही साता के निमित्त बन रहे, तो नरक किसान में भी साता आ गई, तो साता का प्रयोग साता में अटके नहीं, साता का उपयोग बहुत से भव्य जीवों ने ज्ञाता के लिए किया। आपको जो साता मिली है उसका उपयोग आप ज्ञाता के लिए करो, नहीं तो ये साता तो चली जाएगी और असाता आ जाएगी। अतः जब साता है, शरीर काम दे रहा है, इंद्रिय अनुकूल है तुम्हारी, बाहर में भी तुम्हारा उपयोग चित्त निर्मल है, तब आप ज्ञाता में चले जाओ, और नहीं तो फिर क्या करोगे। जो लो न रोग जरा गए तो लो जटती, ज्ञाता लखो हित करो, मतलब ज्ञाता लखो। उसी छाता का उपयोग नारकियों ने ज्ञाता के लिए किया था, क्योंकि वो साता में जो अटक गए वो थोड़ी देर के बाद में फिर तड़पने लगे। ऐसे ही जैसे नारकियों को थोड़े समय की साता है, ऐसी मनुष्य पर्याय में भी थोड़े समय की कुछ साता मिलती है। जब हमें परमात्मा भाते हैं, जब हमें जिनवाणी भाती है, जब हमें स्वरूप सुहाता है, जब हमें रस बनता है, जब ये संसार असार लगता है, समय सार सार लगता है, द्रव्य भाव कर्म द्रव्य नौ भाव नौ कर्म से रेत में परमात्मा हूँ ऐसा वासित होता है, चार भावों से न्यारा में परम पारना में द्रव्य हूँ ऐसी सुनकर महिमा आती है। इस साता में अटक मत जाना, नहीं पुनः उन्हीं भावों में चला जाएगा, इसलिए साता में ज्ञाता में चले जाना। नहीं तो ये साता भी मात्र पुण्यबंध का कारण बनेगी, पर धर्म का कारण नहीं हो पाएगी, नहीं सुख का कारण नहीं हो पाएगी। यानी ये तुम्हारी साता है कि तुम्हें ज्ञाता भा रहा है, बाहर के शरीर की साता तो ठीक ही है, लेकिन ये आत्मा की साता जब आती है, जब उसको ज्ञाता भाता है, व्यवहार ने से कहें तो ज्ञाता को दिखाने वाले भाते, समझ में आया। ये साता है, वो साता तो पुद्गल की साता है, जिसको तुम साता कहते हो, असाता कहते हो। उस दिन असाता समझना जब जिनवाणी में मन न लगे, और वहां पर लड़के और सब अनुकूलताएं दिख रही हो, जय जय हो रही हो, और तुम्हें यहां मन ना लगे, जिन मंदिर में मन ना लगे, वो चाट लगे, समझ लो बड़ा पाप का उदय आ गया, भारी पाप उदय आया। और उस समय साता समझ लेना जब ज्ञाता अच्छा लग रहा हो। ऐसी गड़ियां भव्य कोई विरले पाते हैं, जो जब अंतर माही आओ ज्ञाता प्रभु आवाते हैं। इन गड़ियों में ये बाल तुम्हें आत्म को लख लो, नहीं मिलेंगे ये भगवान कहां से लाखोगे। पुरानी जकड़ी आती है, पुरानी जकड़ी आती है, तेरी अंचे योनी जब पावे तब कौनी तुझे समझावे, नरके गति में जावे भगवान ना पावे। तो प्रभु का जन्म कल्याणक उनके लिए हो गया, जो प्रभु नैमिनाथ के जन्म में कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा को लगकर परद्रव्य प्रभाव से बिन अपने आत्मा की रुचि पूर्वक जिनने सम्यक्त की प्राप्ति की, उन भव्यों को ये नैमनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक हो गया। कल्याणक मतलब जो कल्याण में निमित्त, जन्म कल्याण हुआ था,
और वो कल्याणक उनके लिए हुआ था जिनने उस कल्याण में अपना कल्याण कर लिया, उस कल्याणक में अपना कल्याण कर लिया। तो उनके लिए तो कल्याणक था, तुम्हारे लिए कल्याणक जब हो पाएगा जब उस समय तुम अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान कर लो। और उस समय क्या आज ही वो दिन है जब नार की भी संकेत लेता है, समझ में आया? भगवान नेमिनाथ का जन्म तब कल्याणक है भैया, लड़कन के जन्मदिन तो याद रहते हैं, इन तिलों की नाथों के याद रहा करें कम से कम। और नेमिनाथ स्वामी का जन्म हुआ और वो सब उसके बाद में वो दूसरा कल्याणक प्रारंभ अपनी इस गाथा से शुरू होगा, दीक्षा कल्याणक। क्या तब कल्याणक, वाह क्या अद्भुत दशा, एक और राग और दूसरी और विराग है? राग में राग को नहीं वाया, राग में राग रहित को वाया, विरागी हो गए, विरागी होकर के चल दिए थे। जब वारात मोची है जूनागढ़ और इतनी विशाल वारात जा रही है कि वो वारात का विशाल अगर पुराणों को उठा कर देखें वो भेद प्रभेद कर ली लगती हैं, दोनों प्रकार के संग मिलते। 56 करोड़ तो यदुवंशी थे, 56 करोड़ आते को जोड़े प्रभु वरे रथ गिरनारी कुमोड़े, दृढ़ता मई थिरता मई ऐसा ही जीवन मेरा भी हो। जब उधर बारात बढ़ती जा रही थी तब उस समय क्या प्रसंग बना है कि बारात के निकलने से पशुओं का रास्ता रुक चुका था। एक और बछड़ा है तो एक और बछड़े की माँ गाय रह गई है, कुछ उधर चले गए कुछ इधर चले गए, रो रंबा रहे हैं चीख रहे हैं। वहीं से कथा शुरू होती है, बोलो नेमनाथ भगवान, भगवान के तब कल्याणक महोत्सव की। जन्म कल्याणक के तो लड्डू खाते हो, तब कल्याणक का वैराग का रस भी पी लिया कर। इसलिए आज तब कल्याणक है भगवान का। ये आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, जिनको आदर से हम लोग बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ नेमिनाथ निष्क्रमण है। क्योंकि सबके पास पुस्तक होना संभव नहीं है, एक दो रख लेंगे तो वो हम नहीं रखवाना चाहते। ये आपको पुस्तक मिल जाएगी, विकल्प नहीं करो, कुछ विकल्प करनी। ये पुस्तक में भी है छपा हुआ पहले से, अध्यात पाठ मंजूषा में, वैराग पाठ संग्रह। श्री नैमि प्रभु के वंदना करि भक्ति भाव से, प्रभु समीप आऊं भाविना छूटू विवाह से। नीचे किलन बोलते जाना है, प्रभु समीप आऊं भावना छूटू विवाह से। सुनो जी मंगल जन पुरा देखा पशुओं को रुका हुआ, प्रभु हो गए गंभीर, दिख दिखे ऐसी विषय दिखे न पराई पी। देखा जैसी पशुओं को चीखा लावा ये लगा रहे हैं, पशु चीख रहे हैं,
न विनाश प्रभु सोचने लगे। अपने कार्य की सिद्धि के लिए इन मूक पशुओं के दर्द और पीड़ा को भी भूल जाता है। धिक्कार ऐसी विषय विषयों की अन्यता के लिए जिसमें तू योग्य योग्य कुछ भी नहीं सोच पाता है। इन भोगों की अग्नि में कितने जीव हैं जलते, और भोगी भी परिपाक में भव भव में दुख सहते। पंक्ति समझ में आ रही? धीरे धीरे वाचन पकड़ो। भोगो की अग्नि में कितने जीव हैं जलते। अन्याय के भोगों की तो हम बात क्या कहें। न्यायोचित जो भोग विवाह आदि कार्य होते हैं उनमें भी अनेक जीवों की विराधनाएं होती हैं। अन्याय के विवाह तो राक्षस विवाह तो भी होते हैं, जो रात्रियों में बारातें चली जा रही हैं और फटाके फूटते जा रहे हैं। विवाह राक्षस विवाह हुआ करते हैं। विवाह शुभ नहीं होते, अशुभ होते हैं, क्योंकि वहां पाप आने वाला है और ऐसे विवाहों की दशाई आगे जाकर के टूटना होता है। जब तुम दूसरों को तड़पाओगे और तो वो भी उदय आएगा तो तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। जैन श्रावकों के विवाह कैसे हो सकते हैं जिनमें दूबों पर नाच रहे हैं, जिनमें कुछ ठिकाना नहीं है, जिनमें जब निकल रही है बारात है तो जीव बिछ गए। अरे रे, उन विवाहों की बात तो हम कहा कहें, ये तो जैनों के है ही नहीं। हमने पहले आपसे कहा था कि रात्रि में बारात निकल रही और कोई हम वहीं से मंदिर से जा रहे, तब तक वो भाई बोला देखो कैसी मर्यादा वृद्ध नाच चल रहे हैं। बोले पंडित जी एक बार देखो, हमने कौन जैनों की बारात, हमने कहा जैनों की तो रात को बारात निकलती नहीं है और जिनकी रातों में बरातें निकलती हैं वे जैन होते नहीं। और हमने कहा देखा लगे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने करंट लगा दिया। करंट लगाते हैं तब क्या करते हैं, क्यों भैया डांस करता है, डांस दिखाए किसी को करंट लगा हुआ ऐसे 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 छटपटाता है। और करंट लगे हुआ पर पानी और डालते हैं लोग, वाह तो वाह 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 वाह, उसके फोटो खींच रहे हैं। तुम्हें करंट लगे और कोई वीडियो बनाए तो वहां क्यों फोटो खींचे, करंट लगे वो पर पानी डाल रहे हैं ऐसी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह। कोई जब वो पानी डाल रहा वो बेचारा तड़प रहा है और माँ आएगी तो डंडा मारेगी, क्यों भैया करंट लगाया उस पर पानी डाला जाता है कि डंडा मारा जाता है? पानी डालोगे तो बेचारा और मर जाएगा, डंडा मार रहे बुरा लगेगा, वो डंडा क्यों ले आई, लेकिन वो ही छुड़ाने वाला है तो विषय के करंट से संयम रूपी डंडा ही तुम्हें बचाने वाला है। छटपटाता जी इन भोगों की अग्नि में कितने जीव जलते। वो जीव जलते फिर जीवों को जलाते वे खुद जलते, भोगी भी जिन्हें भोगाया परिपाक में फल में भव भव में दुख सहते। ये तो 925 पंचेंद्रीय संगी जीवों का घात, तो ये तो न्याय उचित जिन भोगन की बात है उनकी उनकी बात बताई। एक दिन के ब्रह्मचर्य को जिसने एक दिन का भी धारण किया है चरणानुवृत्ति में ऐसा कहा है, उसने 900,000 समूर्चन पंचेंद्री जीवों के लिए अवैदान दे दिया।
नेमिनाथ प्रभु विचार कर रहे हैं कि देखो जे जी पशु तड़प रहे हैं, उनको कोई नहीं पड़ी है। और भोगी धिक्कारे, देखो देखो देखो, हाँ, पीड़ाए विषय कसायों की मृत्यु से भयंकर। कैसी है पीड़ा? मृत्यु से भी भयंकर है। ओ सैने में असमर्थ तव फिर मूड़ जन फस कर। उन्हें सैने में असमर्थ नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी लिखते हैं कि कसायों की विषयों की पीड़ा ऐसी है कि अंत में मरना भी चाहता है, मर के भी उस पीड़ा को शांत करना चाहता है। वहीं की लेने समझो ये। दोई भावना से मोई व्रत मोय भाव से। लेन बोलो, प्रभु समी बाहू बाविना छूटू विवाह से। श्री नैमी प्रभु की वंदना करूं भक्ति भाव से। प्रभु समी बाहू बाबुना छूटू गजा पे सब नाच रहे हो, यो पे खुशियां मना रहे हैं और नैमनाथ के अंदर ये चलने लगा है। अज्ञानी मूढ़ जीव तो वैराग में भी वैराग को धारण, वैराग में भी राग के प्रसंगों को याद किया करते हैं, और ज्ञानी तो राग प्रसंगों में भी वैराग पाया करते हैं। वैराग का प्रसंग मृत्यु, किसी की मृत्यु आदि हुई उस समय भी राग के, और यहाँ तो विवाह आदि में वैराग भावना वार है। क्यों भैया? अगर कोई की बारात में जाकर के या विवाह में जाकर के अगर बारह भावना पढ़ने लगो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, आप किधर पढ़ते हैं बारह भावना? कब पढ़ते हैं? हमारे उधर जो पढ़ते हैं वो मैं बाद बताऊंगा, पहले अगर मिलता हो तो बता दें। कब पढ़ते हो? ना वो तीसरे के दिन तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर राजा राणा छत्रपति, और हम वहीं जाके पढ़ने लगे तो अब सकुन होगा कि सकुन होगा? भैया माने कबड़ रहे बारे भावना पड़ रही है अब सकुन। अरे सकुन होगा, राग अब सकुन है और वैराग सकुन है। आश्चर्य की बात है, वैराग भावना को अब सकुन मानता है और राग को सकुन मानता है, यही मिथ्यात्व है। उल्टी मानता कैसे कैसे हैं? जिसे बच्चों को लटा दिया तुमने, और तुमने वो इतना उल्टी मानता, हर 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 स्थान में उल्टा उल्टा मानना है। निर्गंता में सोवा मानता है वस्त्रों में सोवा, सादगी गौरव है, है? और ये भेषणवादी, ये तो क्या कहें इसको, हीनता है। तो सादगी को हीनता मानता, उसको गौरव मानता, उल्टी, इसका नाम है त्याग। हर जगह उल्टी मानता, देखो देहादिक में एकत्व बुद्धि वो तो मिथ्यात उल्टी मानता है ही, और जब वो देहादिक में एकत्व बुद्धि होती है तो एक गड़ा उल्टा तो सब उल्टे, और सीधा होगा ही नहीं। और वो सोच रहे हैं, देखो वहां बैराग आ रहे हैं, कैसे वाएंगे? इधर सब लोग तो खुशियों मना रहे हैं और वे अंदर में सुसारती है, क्या बात है? महाराज आपकी बारात निकल रही है, आपकी बारात के निमित्त से पशुओं को रोका गया। ओ सोचने लगे हो, धिक्कार है हैं? प्रभु ऐसी सोबास क्या जिसमें निज पर पीड़न हो। ऐसी सोवा ऐसे श्रृंगार से का तुम्हारा आत्मा तड़प रहा है और बाद में अनेक जीव तड़प रहे हैं, और न जाने क्या क्या लगा लगू के आ गए मंदिर, मंदिर में भी नहीं छोड़ते हो। अष्टमी चतुर्दशी का दिन है और उस समय यू कत्ल खानों का खून लगा के आ जाए, ठिकाना नहीं उसका कुछ लग जाए। ऐसी सोबास क्या जिसमें निज पर पीड़न हो, ऐसी शादी से क्या जिसमें दुखमयी बहु बंधन हो।
क्या सोच रहे हैं अविनाश? अरे वाह, एक पशु बंधन में है और बंधन से छूटने के लिए तड़प रहे हैं और हम बंधन में जाने के लिए तड़प रहे हैं ना। ये अगर बंधन में सुख होता तो पशु भी तड़पते काहे को? अरे बंधन से छोड़ने पर पशु भी उत्सव मनाते हैं और मैं तो क्या स्वयं बंधन में बंधने जा रहा हूं। स्वतंत्रता का आनंद, लौकिक जो न्याय उचित व्यवहार है उनका बात बता रहे, ये तो अन्याय राक्षसी व्यवहारों की हम बात क्या कहें जिन्हें हमारी आदा नहीं होती। या तो उनका कह रहे हैं अभी जीव स्वतंत्रता से आराधना कर ली, पर विवाह ना करके स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमना तो स्वतंत्रता है, पर स्वच्छंदता के लिए विवाह ना करे वो तो महापापी है। ये उल्टी संस्कृति भी अब क्या कहने लगे, स्वच्छंदता के लिए को पड़े बंधन और विषयों मांगने को, वो तो महापापी है। स्वतंत्रता का आनंद आराधना कगार, परिग्रह के ग्रहण में होते अगणित दुख में उत्पात। स्वतंत्रता का आनंद आराधना का घात, परिग्रह के ग्रहण में क्या होते? अगणित अगणित दुखमय उत्पाद। पद्रव के एक एक नहीं अनेक। रहता है चंचल चित्त सदाई परिग्रह बान का, विषयों में जो आसक्त उनके नित ही मलिनता, सुख लेस भी पावे नहीं अज्ञान भाव से। प्रभु समी बाम बावना, विषयासक्त का चित्त मलिन होता है और परिग्रह आसक्त का चित्त चंचल होता है। परिग्रह में जो आसक्त रहते उनका चित्त हमेशा चंचल, और विषयों में आसक्त उनका चित्त निर्मल मलिन, समझ गए, मलिन होता है। जी अंदर में प्रभु बा रहे हैं और ऐसा हम बाएंगे तो नेमनाथ भगवान का दीक्षा महोत्सव मनाना सार्थक हो जाएगा। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि हम तो जो कहानियों में बहुत सी कहानी बीच बीच में सिद्धांत देते हैं, जहां इन ज्ञानियों की कथाएं पढ़ोगे ना तो कथा शुरू होगी नेमनाथ जा रहे हैं 12 आयु। और अब सोचो पूरी क्या चल रहा है, पूरा वैरा पूरा ध्यान समझ में आया कि नहीं? वैराग वैराग वैराग, आप कहते जी वैराग कथाओं में कहां से ले आते? अजय वरा वरा आया वैराग रंग लगे ही ना लोगों को कथा पढ़ रहे। कथा है देवी नेमनाथ के वैरागी की कथा, आज क्यों सुना रहे हो? सब कल्याण के आज हैं हैं, कई बार तो दिन में बरस लगे, कोई ठिकाना थोड़ी, वो तो बरसेगा हैं। भगवान नैमी चढ़े गिरनार, याद नहीं है तुम लोग? नैमी चढ़े गिरना पानी छमा छम वर्ष, बरसात को समय था यातेन्द्रीय आनंद वर्ष है, पानी तो वर्ष है तो वर्ष है। पापों के बीज इंद्रिय सुख तो दुख में, अरे परिलक्षी इंद्रिय ज्ञान भी अज्ञान जान रे। ये बा रहे थे वो कि इंद्रिय सुख तो पापों का बीज है और कैसा है दुखमय है, वो तो छोड़ने लायक है, लेकिन जो पर का लक्ष्य कराने वाला इंद्रिय ज्ञान है वही भी त्याज है। अति इंद्रिय सुख ही सुख जो पाते हैं जित इंद्रिय है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख जो पाते हैं जितेन्द्रिय,
शिव साधक हैं जिन्हें यो ज्ञान अतिन्द्रिय अतिन्द्रिय ज्ञानानंदमय सुधा तुम्हारी सार ऐसे जिगे दे रूप मुक्ति का आधार शुद्धात्मा प्रभु नित्य निरंजन स्वभाव से बाहु प्रभु समी भावना। प्रभु संभावना कैसी बात कि जो पाप के बीज इंद्री के विषय हैं वे तो पाप के बीज हैं। क्या है पांच इंद्री के विषय हैं वो कैसे हैं? पाप बीजे सुखे नास्ता कर्म परवसे शांतई दुखई रंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता। पाप का बीज लगा हुए तो वृक्ष तो खड़ा ही होगा। भाव भाई जब जब विषयों में चित्त जाए तो समझ ला पाप का बीज डाल रहे। दूसरे नंबर परलक्षी इंद्री ज्ञान कैसा है? अज्ञान कैसा है बोलो जल्दी। जो पर के लक्ष्य में जा रहा बोलो भाई। आप समझते हो कि इंद्रियों से ज्ञान आता है, इंद्रियों से ज्ञान आता है कि बर्बाद होता है? विषयों में सुख आता है कि बर्बाद होता है? ना सुख विषय कैसे हैं? सुख साधक नहीं लिखा? आप पढ़ो अपनी जो जो रोजाना पढ़ते हो स्तुति। सुख प्रहारक क्या लिखा? ये विषय में सुख मानकर सुख को कैसे करने वाले? हरण करने वाले। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान अज्ञान है मतलब क्या? तुम्हें मत समझ लो इंद्रियों से ज्ञान आता है, इंद्रियों से तो ज्ञान बर्बाद होता है। क्यों भैया? तुम्हारे घर में जो नल लगे रहते हैं घरों में, तो वो नलों से पानी आता है कि बर्बाद होता है? टंकी जो भरी है ना, तो वो नल में से पानी आता है ना? आता है, पानी आ रहा है, दिखता क्या है? पानी आ रहा है। पानी आ रहा है कि बर्बाद हो रहा है? वो आवाज तो वो कोई भीतर स्रोत है। ऐसी इन इंद्रिय जो पांच इंद्रियां हैं इनसे ज्ञान या सुख आता है कि बर्बाद होता है? आवाज तो जब होती है जब ऐसे बैठते हाथ भी हाथ रख के बैठते हैं। ज्ञान तो ज्ञान वैसे आता है, ज्ञान बाहर से थोड़ी आता है। वो टोटियों को क्या बोलते आप? टोटी कहते उनको। ये मत समझो कि इनसे पानी आ रहा है, दिखता भले है लेकिन बर्बाद हो रहा है। ऐसी बाहर से ज्ञान, बाहर से शोक, बाहर से प्रभुता मानने वालों, वहां से आता नहीं है। परमात्मा नेमनाथ वारा है वो तो अज्ञान है। तो तुम्हें नेमनाथ जैसा दीक्षा कल्याणक मनाना है तो यही भाव। क्या भाव? कि ये तो अज्ञान है। और क्या भा रहे हैं? अतिन्द्रिय ज्ञान आनंद में सुदात्मा सार। सार मतलब ग्रहण करने योग्य उपाधि। आत्मा ज्ञान आनंद में एक सार है। ऐसे जिगे, गे मतलब जानी हो, ऐसे जिगे दे रूप मुक्ति का आधार शुद्धात्मा प्रभु नित्य निरंजन स्वभाव से समी बाहू भावना छूट। सुनो जी मंगल जैन पुरा इस पर ये पंक्ति लिख। लेकिन बोलो आ रहे हैं जानू क्या आप लगे जाए तुम पुराण ही सुना रहे। ये भी पुराण है क्योंकि पुराण पुरुष भगवान आत्मा से भेंटा कराने वाले हैं। और फिर नेमनाथ प्रभु क्या विचार कर रहे हैं? रहते यात्रा मूड आत्मज्ञान के बिना। किसके बिना? और आत्मज्ञान के बिना तो अतृप्त है और पर का ज्ञान करके तृप्त होना चाहिए। तृप्त कैसे होना चाहिए? अतृप्त कैसे है? पानी नहीं पिया था। तुम्हारा लोक व्यवहार का उदाहरण दे रहे हैं। सो तो प्यासे थे और अग्नि के पास बैठकर तपन
प्यास मिटाना मिटाना चाहते हो। किसी को बहुत तीव्र प्यास लगी और उससे कहा गया भैया बड़ी तीव्र प्यास लग रही है, बोले भैया एक काम करो, बोले थोड़ी अग्नि जला लो। क्या जला लो? अग्नि जला लो। तब तक दूसरा आया, ये क्या कर रहा है भैया? कि भाई प्यास लग रही थी, कोई सज्जन मिले भैया, उनने उपकार करके बताया अग्नि जला लो तो प्यास मिट जाएगी। तो प्यास मिटी है कि नहीं? कि नहीं, अभी तो नहीं मिटी, बढ़ गई, थोड़ी सी लग रही है। बोले तुमने अग्नि जलाई है, इतनी सी अग्नि से होगा क्या जी, बताओ हैं? थोड़ी और बढ़ाओ तब तो काम चलेगा। पंचवी काल खराब आ गया भैया, सुखी होना है, बोले परिग्रह लाओ। बोले कितना ले आए? एक लाख। एक लाख से कहो यार, आजकल एक लाख से होना क्या है? एक करोड़। एक करोड़ से क्या होगा? अरब। अरब से भी कुछ नहीं होगा, तृष्णा कभी नहीं बनने वाली। तो थोड़ी अग्नि बढ़ाई, पर दूसरे ने कहा दो अग्नि से क्या होगा, और बढ़ाओ भैया। तो ज्यो ज्यो अग्नि की श्रृंखलाएं बढ़ती जाएंगी त्यों त्यों प्यास बुझती जाएगी। क्या बोल गए? उल्टा बोले जानबूझ के। बढ़ती जाएगी ऐसी, जितना जितना परिग्रह बढ़ता जाएगा, बोलो भैया, उतनी उतना तृष्णा बढ़ती जाएगी, यानी दुख बढ़ता जाएगा। और क्या सोच रहे हैं प्रभु? रहते यात्रा मोड़ आत्मज्ञान के बिना, कितने भवियों बीत जावे संयम के बिना। होते हैं आस पात्र जोले दीप भी गिरते। क्या कह रहे? पाकर भी आत्मज्ञान पर जग जाल में फंसते। प्रभु आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी मैं जग जाल में फंसूं तो ऐसा ही है जैसे कोई दीपक लेकर के कूप में गिर जाए। मैंने जान लिया है मेरा ज्ञान, मेरा सुख, मेरी प्रभुता, मेरा सर्वस्व मेरे भीतर है, तो भी मैं बनने के लिए जा रहा हूं। अरे कोई अंधा हो, सूझ हो, बेचारा अंधेरे में गिर जाए तो उसको तो कोई उठा ले, और ये वह लड़का हो और दिन और हाथ में टॉर्च और लिए हो और बढ़िया अच्छा और दिखा रहा है सब कुछ, आके सब कुछ और गड्ढे में गिर जाए, बोलो क्या करेंगे? कहा भैया दिखाई नहीं देगा, दिन है ना, हंसी का बात होता है। ऐसे ही जो सब कुछ जानते हुए भी इन विषयों में फंस जाए, यहाँ स्वाध्याय में ज्ञान कर लेते हो तब भी उन्हीं कुरीतियों में प्रवर्तते रहते हो। आचार्य महाराज कहते हंसी के पास होते हो, जानने के बाद में भी वहीं पड़ा है भाई, तू उठ तो सही थोड़ा। कल्याण का अवसर गमावे मूढ़ भाव से, प्रभु समी बिना छूट विवाह विशेष। सुनो जी, संयम में जीवन आओ। अब बहुत से लोग कहने लगते हैं भैया अब दीक्षा दिला दो, अब कब तक भाग्य व्यारा के, ये व्याराग बड़ा है तभी तो दीक्षा ली है। अब वो रथ जा रहा है और भीतर भीतर क्या सोचते जा रहे हैं भगवान? बढ़ जाए रथ और बे प्रभु अंदर में क्या सोच रहे हैं? संयम में जीवन ही आओ, ज्ञानी को सोता बढ़ती प्रभाव ना सहज होती है पूजता। भव्य असंयम का जीवन ज्ञानी को धर्मात्मा को शोभा नहीं देता है। संयम में जीवन से प्रभावना बढ़ती है और सहज पूजता होती है। पूजा करवानी पड़ती हो ऐसा नहीं है। पाप से जीव निंदनीय होता है, पुण्य से जीव प्रशंसनीय होता है और धर्म से जीव पूजनीय होता है।
असंयम से प्रसन्न निंदनीय होता है, व्यवहार संयम से प्रशंसनीय होता है, और परमार्थ संयम से निश्चय संयम से पूजनीय होता है। असंयम पाप रूप है, व्यवहार संयम पुण्य रूप है, और निश्चय संयम धर्म रूप है। जो प्रभावना हो सहज होती है, क्योंकि जीवन से दिया गया उपदेश जीवंत होता है, जीवन से दिया उपदेश जीवन को छू जाता है। मृगांक लेखा ने धैर्य के ऊपर कोई निबंध नहीं लिखी थी, मृगांक लेखा ने धैर्य के ऊपर शाम को सुना रहे ना तुमको, इसलिए उदाहरण दे रहे, अलग से कुछ उपदेश नहीं दिया था, लेकिन उनका जीवन ही उपदेश बन गया था। संत तो जीवन तो उपदेश देते ही है, वे श्रावक भी अपनी श्रावक चर्या का सच्चर्या से श्रावकत्व का उपदेश दिया कर। आपका जीवन ऐसा हो कि आपकी पूजा को देखकर लोग समझने लगे, हाँ धन्य ऐसी पूजा। आप पूजा करके पवित्र जीवन जियो तो आपकी पूजा की प्रभावना होगी, आपकी भक्ति की प्रभावना होगी, आपके स्वाध्याय की प्रभावना होगी। क्योंकि अगर आप किसी को पूजा में लाना चाहते हो तो आप वे पवित्र कार्य करना जिससे वो आपसे प्रभावित हो, और जो प्रभावित करने के लिए नहीं करना, ध्यान रखना। स्वयं धर्म से प्रभावित हो, सहज कार्य करोगे तो जगत प्रभावित होगा, और जगत को प्रभावित करने के लिए धर्मात्मा कोई कार्य करते नहीं है, और जगत प्रभावित हो कि ना होने कोई भय नहीं है, प्रलोभन नहीं है, वे तो अपना कार्य करते हैं। ना तो किसी से शीघ्र प्रभावित होना, और ना किसी को प्रभावित करने के लिए कोई कार्य करना, ये नीति है भाई। और नीति हमारा वस्त्र है और धर्म गहना है। क्या बोले हम? नीति वस्त्र है और धर्म गहना है। तो गहना महंगा होता है कि वस्त्र महंगा होता है? बोलो भैया, गहना महंगा होता है कि वस्त्र? गहना, बात बिल्कुल बराबर है, हैं? अरे वाह, बात बने ना, कर लेने का विकल्प कर ले, सुना हो तो एक बार और सुन। महंगा क्या होगा कि महंगा तो गहना होगा, कीमती कौन है कि गहना है? शोभा गहना की है, परंतु नीति वस्त्र है। फटा वस्त्रो, मलिन वस्त्रो, गंदे वस्त्रों और बढ़िया हार वार पहने हो, बोलो भैया, अगर फटे वस्त्र पहने, गंदे से पहने, ऐसे काले काले से, आजकल तो का उदाहरण दे गई, चलन चल गए, जिनको हम कहे तो कंगने बंडी फटे कहाँ। एक बिटिया छोटी सी आ गई हमारे सामने, हमने कहा बेटा जी तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए? तो पंडित जी फटे नहीं है, रेशन। अरे आश्चर्य की बात है भाई, मैंने वे तो इसलिए कपड़े पाड़े थे कि उन्हें कोई पैसे दे रहे थे उन वेश्याओं को, और तुमने उन वेश्याओं को देखकर अपने कपड़े फाड़ दिए। वेश्या है जो दिखाई देती टीवी चलचित्र आदि को, हम काय को देखे? और वो मुंबई की संस्कृति गांवों में भी आती जा रही, क्यों? जो मुंबई की चाल चलन है वो शब्द में दिखाई दे रही है, उनका अनुसरण कर रहे हो। ये प्री वेडिंग और फलावर जी क्या होती है? हमारे यहाँ की संस्कृति यही नहीं है। पहले वो स्टेज प्रोग्राम शुरू हुए, उसके पहले थोड़ा और भी शुरू हुए, और अब बिल्कुल ही कहा कहने लगे। क्या मर्यादा हुआ करती थी कि हमारी बहू का कोई चेहरा भी नहीं देखता था? पुरानी संस्कृति ऐसी थी। हमें नहीं कह रहा कि तुम इतना पल्ला डाले रहो, वैसा करे रहो, ये जो तुम्हारी वो है, कम से कम योग मर्यादा तो रखो। कि वो ऐसे फोटो खिंचा ली और ऐसे वीडियो बनवा ली, और पर वो पार्टी दे रहा है अलग से, और वो वीडियो चल रहा है और दिखा रहे हो, का दिखा रहे हो? पाप कोई देखने लायक नहीं होता है, दिखाने लायक नहीं होता है।
पाप जो खुलेआम पाप करते हैं वे निर्लज्ज हैं, छिपकर पाप करते हैं वे कायर हैं। छिपकर पाप करना कायरता है, खुले पाप करना निर्लज्जता है, पापों को छोड़ना वीरता है। कम से कम खुले पशुओं जैसे तो मत हो जाओ। पशुओं जैसी पशु व्यक्ति तो है और वो क्या है? अरे कोई फोटो भी लगाओ तो वैराग्य के लगाओ, धर्म के लगाओ। अगर वो बेटा और बहू मिलकर जिनेन्द्र पूजा कर रहे होते, स्वाध्याय कर रहे होते, सामाय कर रहे होते, हम तो कह रहे उनके भी मत खिंचा, वो खिंचवा कर लगवा दिया हो तो कम से कम फिर कछु लोगों को प्रेरणा मिल जाए। लेकिन ये कहा, अरे रे भाई ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो विकृति है। आमंत्रण अलग से दिया है काय के लिए, कि ये सब देखो वहां के लिए हमने भोजन पे आमंत्रण दिया। अरे भैया भोजन करा और विधान करा और कुछ ऐसा करो। हमारा एक भैया, हमारे भैया कोई गेस्ट भाई पंडित जी साहब से जुड़े भाई, उन्होंने विवाह किया, चारों तरफ बड़ी वैसा, कोई बैंड बाजे नहीं बुलवाए और की तो बात छोड़। अब तुम कहते हो बिना बैंड बाजे की बारात कैसे जाएगी? जाएगी, सब जाएगी हैं? कोई उस समय तो पत्रिकाओं का जमाना विशेष था, आजकल तो वैसे भी कम हो गया, वो आज भी छपवाते तो भी वो चल गए तो भी छपवाते। तो वो कार्ड होता है ना, कार्ड, कोई कार्ड नहीं छपवाए, दो चार रिश्तेदारों को उनसे समाचार दे दिए, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था उस समय, फोन से समाचार दे दिए। घोड़ा नहीं मंगवाया, पशु पे काय को बैठे हो हैं, पैदल जा रहे हैं, वो आजकल डबली डबली रहती है ना, उसको बुलवा लिया, तो बजाता हुआ जा रहा है। और भी अपनी सादगी से गए वहां पर, पूरा बाहर लिखा है कृपया हाथ पैर धोकर के ही भोजन में प्रवेश कर। पूरे जन समूह जैन अजैन सबको बिठा करके व्यवस्थित अपने रिश्तेदारों को साधर्मियों को बुलवाए, भैया व्यवस्थित होना चाहिए, हाथ पैर धोकर के ही प्रवेश करें, ये दिखाओ तो कुछ अच्छा लगे, इसकी वीडियो बनवा कर तुम दिखाओ और डालो तो भी हम माने। अब तुम क्या दिखा रहे, भी नाच रहे गा रहे हैं, उल्टी गए, वो तो दुनिया ही नाच रही, अमेरिका नाच रहा है, तुम नाच रहे, तुम हमें कहा तो तीन बार पीने वाले और सब खाने पीने वाले देवो काम कर रहे हैं, वही तुम तीन बार स्वाध्याय करने वाले हो, पूजा करने वाले, सामाय करने वाले, महाराज जी के सामने तो उपवास व्रत करने वाले करने लगे हो, वही वो कर रहे हो, तुम में उनमें अंतर कब? तुम्हें तो वो हमारे जैन संस्कृति का कोई प्रभाव ना करनी थी, तो आपसे कहते हैं कि हम एक एक का निषेध कर नहीं पाए तब तक दूसरा महोत्सव मनाने लगे। जन्म लेना और जन्म देना दोनों कलंक हैं, हमारे आचार्यों ने कहा है, तो हम कह रहे थे भैया जन्म मत मनाओ तब तक तो क्या होता है, वो दूसरी और विकृति निकल पड़ी हो, ये तीसरी अभी सुनने में आ गई। दूसरी विकृति क्या निकल पड़ी कि वो पहले तो जन्म लेना कलंक, दूसरा कलंक क्या है कि उस मनुष्य पर्याय में राग को न तोड़ पाए और विवाह। अब विवाह हो गया कछु ठीक है, वो हम नहीं टूट पाया तुम्हारा राग, लेकिन उसका भी वर्ष वर्ष में महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या बोलते हैं हमारी तो साल की रह शादी दे रहा है, और वो पागल हो गए उसमें, हमें सुना है कि 50-50 साल के जिनने कहूँ वो देखो नहीं है, 60-60 साल के उनको भी वैसे भी सजाओ जा रहा हो, कि उनको माला डाल रहे हो हमारे पापा के साथ। बताओ पागल हो गए कि नहीं हो गए, ये पागल बने कि नहीं? पहली बात तो वो याद करने लायक नहीं है, और याद करने लायक आ जाए तो उस दिन भैया हमने तो कहा था कि हम तो जब माने भैया 1 साल हो गए 2 साल हो गए, उस दिन ब्रह्मचर्य ले लो, हो गया बहुत दिन, कहा होगा
तो फिर भी ठीक है भैया, आज हम इस बंधन को तोड़ रहे हैं, सबको बुला और भगवंतों के सामने, गुरुओं के सामने, जिनवाणी के सामने वो ब्रह्मचर्य ले लो तो हम ठीक है भैया, कम से कम तुमसे कोई प्रेरणा लेगा। हम तो कह रहे थे खाने के लिए ब्रह्मचर्य मत लो, लेकिन तुम्हें ये भाव है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुमसे कोई प्रेरणा ले रहा है। अगर 35 साल का युवक, वो साल ग्रह शादी का दिन था, उसी दिन ब्रह्मचर्य ले रहा है वो मिल करके, तो कुछ प्रेरणा मिलेगी तो वो माने भाई, कोई बात नहीं। तुमने वीडियो खिंचवाए, महोत्सव मनवाया, बहुत अच्छा। अब वो कलंक का उत्सव क्या मनाया, कलंक को साफ करने का उत्सव मनाओ, कलंक के जीवन जीते जीते बहुत दिन हो गए। कहे भाई पहले नंबर तो रास्ते से जा रहा है और चौराहे से जा रहा है, और जाते हुए भयंकर प्यास लगी, बहुत तीव्र प्यास लगी, गर्मी भयंकर है, आपके आसाम में गए तो 50 डिग्री तापमान से ऊपर तप रहा है, और चौराहे से जा रहा तब तक वो गंदा नाला पड़ा तो पशु उसमें नहा रही थी, लोर रहे, हमारी गांव की भाषा बोले, आप लोग क्या बोलते हो उसमें, सूकर वूकर, लोटना, उसी में डूब रहे हैं, आ वाह वही में बैठे आराम से, तो वही पी रहे हैं, वही वही में डूब रहे हैं, आपको मन चलते थोड़ी एक डुबकी तो अपन लगाया है, गंदा नाला देख करके मन चलते, अरे जल्दी भागेगा, भले गर्मी है, भले रात की तपन तो भी ज्ञानी स्वरूप की ओर जाएगा, भगो में नहीं कूदेगा, और वो बचना तो चाह रहा था लेकिन जल्दी जल्दी में जा रहा तो पैर फिसल गया, और पैर फिसल गया तो नाले में पहुंच गया। अब तो एक बार डो अब आ ही गए, क्यों भैया, तो डुबकी तो एक लगा ही ले कम से कम, क्या पड़ेगा जल्दी से निकलने के लिए पड़ेगा, और निकल स्वयं नहीं पाएगा तो जो निकले है उनको पुकारेगा, भैया भैया बचा लो, अरे बोले नेक थोड़ी सी नहा लो, गरीब पड़ा है, काय गरीब पड़े भरे जा रहे, हमारे घर में शीतल जल है, ऐसी हमारे घर चैतन्य में अतिंद्रिय आनंद है, हमें तो वो पान करना, और निकल नहीं पाया और कोई निकाल नहीं पाया तो कम से कम उस सब तो नहीं मनाएगा। आज 6 जून है, आज ही नाले में कूदे दे अपन, आज वो 6 जून आ गई, आज तो वो आज ही के तो नाले में गंदा नाले में कूदे थे, अगर वर्षों बाद निकलेगा अभी तो क्या याद करेगा, निकल आएगा तो दिन मनाएगा, आज नाले से निकल पाए भैया उस सब का इसलिए हमने कहा ब्रह्मचर्य का देना। हम तो जहां उत्कृष्ट वैराग्य लेके बैठे हैं, अब ये बात है क्या कहें, कौन के सामने कहें, हैं ये उत्कृष्ट वैराग्य का क्या कुछ कह, विकल्प नहीं है जरूरत, दिख रहा है भगवान सोच रहे हैं कि देखो तो सही है, पशु भी छटपटा रहे हैं, कोई भोग नहीं लायक नहीं है, कोई दशा प्राप्त करने लायक नहीं है, और बहाते हुए क्या बात है, देखो संयम में जीवनी अवज्ञानी को सोता, बढ़ती प्रभावना सहज होती है पूजता, जो त्यागने के योग्य ही फिर क्यों करूं स्वीकार, इससे अधिक क्या कायरता नर भव की जिसमें हार। योग्य भोगों के लिए कह रहा है, नर भव की हार है। अब तो हम सोचते हैं किनको ब्रह्मचर्य की प्रेरणा दें, कम से कम शील से रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, गृहस्थी में वही लायक जीवन जीना सीख जाए सोई बताए, ले जान तो बाल ब्रह्मचारियों की कथा हमारी अब ना के बराबर ही रह गई, हम ग्रस्तों की कथा अधिक सुनाते, और पहले हमने पूरे बाल ब्रह्मचारियों की सुनाते जिससे जीवों को प्रेरणा मिले ब्रह्मचर्य की, अब हमें लगता है कम से कम विवाह कर रहे हैं तो नीति से ही कर ले, इतना राग कौन का टूट पाए, नहीं ऐसी भी नहीं है, पृथ्वी आज भी वीरों से खाली नहीं, समझो अनंतमती आदि गाथाएं सुनकर हमारी कई बहनें इस मार्ग में निकली, इससे अधिक क्या कायरता नर भव की जिसमें यार, क्षण भी विलंब योग्य नहीं कल्याण मार्ग में, निरपेक्ष हो बढ़ना मुझे अभिमुक्ति मार्ग में, निर्ग्रंथ ओ आराधु निज पद सहज भाव से, बाहू प्रभु समी भावना तुम। और अब तो रथ मुड़ गया,
इतनी भावना बातें बातें क्या हो गया, रथ मुड़ गया, पानी बसने लगा क्या? हाँ वही नैमी चढ़े गिरनार पानी चमाचम आ गया वजन, उन्हें वर्षेगा वर्ष गया वो तो। हाँ वजन चलता है तुम्हारा, वो अब याद आता है, तो जब भी जी दोनों पलटते हैं तो अभी वो याद आता है दीक्षा दिन के हैं। और जो रथ मुड़ा है गिरनारी की ओर, वासा संसारे असार सारे बस इसमें समय सारे चल दिए नैमी कुमार, अखिल विश्व में एक आत्मा ज्ञान योगे सार वारय नैमी कुमार। बोलो तुम्हारी बिसियों की तृष्णा को छोड़ यम की साधना में चल पड़ने वजिए का है? परिग्रह का बंधन तोड़ आत्मा को बने रे चल पड़ने। ये जीव अनादि से है मोह से आरा, चौगति में भटक रहा बन के बिचारा, एक अखिल विश्व में ध्रुवे आत्मा बाने योगे सार बारय नैमी। ए संसार अने ते असरण ना सार इसमें कोई, ए विश्व वे मेरे से ये भिन्न एकत मेरा मुझ माई, ए मलिन आश्रव का साधक संवर निर्जरा का गाता बारय नैमी कुमार। इससे लोक में ही ब्रह्मण होएगा, ये मिला अनंती बार अब चित इससे मोड़ेगा, बस सारे भूत है धर्म का आधार एक ज्ञायक अविकार बारय नैमी कुमार। भगवान नैमिनाथ जो बारे भावना बारे हैं, बारे भावना भाई ना, ये बारे भावना ही तो है। संसार नित्य है शरण है सार है, भगवान आत्मा नित्य है शरण है सार है, वाते वाते वैराग। और जो मुड़ा है गिरनारी की ओर पर रथ, छप्पन जब प्रभु भरे को वैराग आया, कोई भी उन्हीं को रोके ना पाया, छप्पन करोड़ हाथे को जोड़ प्रभु भर रथ गिर नारी को मोड़, दृढ़ता मई स्थिरता मई ऐसा ही जीवन मेरा भी ओ नैमी प्रभो नैमी प्रभो, आपो सा जीवन मेरा। भगवान सब सोच रहे हैं वो रोक रहे हैं, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, तोड़े पशुओं के बंधन क्या हुआ है, छुड़वा दिए उन बंधनों से, और वे वो चल रहे हैं कौन पशु को चल रहे हैं, वे सोच रहे हैं देखो बंधन से छूटने से तो पशु भी वो चलता है, मुक्ति में सुख नहीं होता तो पशु भी सुख क्यों मानता। और जो ये विचार किया है वो प्रभु चल दिए गिरनार की ओर, सब रोक रहे हैं लेकिन नहीं रुके, प्रसिद्ध वाक्य याद करो, रागी ही रोकते हैं और रागी ही रुकते हैं, ना वैरागी रोकते हैं ना वैरागी।
तोड़े कंगन के बंधन। किसने तोड़ दिए? अब दूसरा कंगन निकालेगा ये नहीं। वाह, ऐसा कुछ चलता है ना, एक दूसरे के कंगन बंधन निकालते हैं, क्या करते हैं हमें आग जाना, हमें पता नहीं। और वो कंगन का बंधन था, क्या किया? हाँ, क्या कर दिया? तोड़ा। तोड़े कंगन के बंधन, सिर का मोर उतारा, धनी धनी प्रभु वर का भाव, जिससे काम थारा। वे काम से नहीं आ रहे, काम उनसे आ गया। वीरन में वीर प्रसिद्ध कामदेव, वीर जाने जग वीरन को अधीर कर डारे है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर गणेश, पुष्प सर्वारे ने सभी को ललकार है। पारा सारे विश्वामित्र आदि ऋषि बस किए, ऐसो काम देव जिन देव नहीं मारो। सबको तो बस में कर लिए। पार्श्वनाथ स्वामी का प्रसंग आता है ना, काम के प्रसंग में, काम को हराने के प्रसंग में, कि पार्श्वनाथ स्वामी जब निर्जन वन में ध्यान कर रहे हैं और कामदेव अपनी डींग हाँकता हुआ रति के साथ जा रहा है। अलंकारिक भाषा है, कोई होते नहीं कामदेव रति। श्लोक में आचार्य महाराज ने लिखा, तब वो कहता है मैंने ब्रह्मा को वश में किया, विष्णु को वश में किया, पाराशर को किया, उनको ऐसा किया, उनको ऐसा किया। तब तब रति कहती है पार्श्वनाथ स्वामी या नेमनाथ स्वामी निर्गंत अवस्था में खड़े हैं, मतलब पार्श्वनाथ स्वामी के स्त्रोत है तो उनका नाम। तो उनने कहा अरे तुम तो बड़ी अपनी डींग हाँक रहे हो, बड़ी प्रशंसा कर रहे हो जी महाराज, तो ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, नग्न दिगंबर 30 साल की युवावस्था और नग्न दिगंबर खड़े हैं, ये तो कुछ नहीं है इनके पास, राग वाग क्या हो रहा है तुम्हारा? तो कह रहे तो कहता हूँ प्रिय तुम क्या करते हो? तो कामदेव बोला इन्होंने तो हमारे स्वामी मोह को ही जीत लिया, किंबा अहम किंकरा, मैं किंकर कहाँ। समझ गया क्या ये? इनने तो हमारे स्वामी मोह को जीत लिया, अब हम क्या करें? हम तो वही होता तो आते हैं जब मोह होता है, जब विषयों में सुख ही नहीं मारे तो हम क्या करें इनको? नमनाथ भगवान जब चढ़े हैं और थोड़े कंगन के वंदन, सिर का मोरे उतारा, और जो बैराग भावना भाई अंदर, और उसी समय तो जाओ 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 के नाच लगाते हुए सफेद सफेद कपड़े पहने कौन, लोकांतिक देव। लोग सोच रहे हैं अभी तो तड़ कंगन तो बांधो, तो उसके पहले लोकांतिक आ गए अनुमोदना करने के लिए। वो सोच रहे हैं कि भगवान ये तो नेमिनाथ की बारात है, ये लोकांतिक देव ना जन्म में आते हैं ना तप में आते हैं, ये केवल ज्ञान में नहीं आते, मोक्ष में तक नहीं आते हैं, बस वैराग में पूरे नहीं रुकते, अनुमोदना करने आते हैं, और आज ये बारात में कैसे आ गए? कौन आ गए? लोकांतिक देव। कोई हमें हम पत्रिका देने आ गए कि पंडित जी आपको चलना है, मैंने कहा भैया नेमनाथ की बारात बनाना हो तो जरूर आ जाएगा, या नेमनाथ जैसा करो तो जरूर अब पहुंच जाएगी, भैया जी कैसे आ गए अनुमोदना करने के लिए। जी बड़ा स्वतंत्र है भाई, ये मत समझो बड़े बंधन में पड़ गए हैं। नया मल्लीनाथ की बारात निकल रही थी और लोग शादी का सजा रहे थे, उनको वैराग आ गया। नेमनाथ स्वामी की बारात वहां पहुंची और वैराग आ गया। और जो अनुमोदना करी धन्य वली विचारी नाथ, भगवान का रस उड़ गया, सब रोक रहे हैं उधर, तो का चल दिया तोड़े उन्हें नाथ भगवान की, भगवान के दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की। धनी धनी प्रभु वर का भाव, जिससे काम तारा, जिन भावना बाते हुए गिरनार चल दिए। सहस्राम्र बन है गिरनार, वहां दीक्षा हुई है। बोले नैमिन गिरनार सिद्ध क्षेत्र की, गिरनार अतिशय क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र भी है और तो तब कल्याणक हुआ है ना वहां। समझ में आया भैया, अपने तीर्थों की सुरक्षा करो, समारो, सोई मत रहो। समझ में आया कि नहीं? क्या बिल्कुल जी कह दिया कि साहब वो तुम चावल लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, कल ये कह दे ऊपर ही नहीं चढ़ सकते हो, क्या करोगे तुम? तुम सोच रहे हो कि हम बिना आगे चले जाएंगे, लेकिन क्या है मौन बैठे बस अपने। तोड़ा
ये स्वतंत्र देश में हम परतंत्र बने हुए हैं, लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारी गिरनार पे जाने के लिए हम परतंत्र हैं, हमारे लिए रोका जा रहा है कि नहीं ये नहीं ले जा सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो भी अभी कुछ दूसरे रोकते तो अब नियम बनाने लगे, हमें सुनने में भैया लोग क्या करोगे भाई हैं? गूंजाता जय जयकार जिन बाबिना बाते हुए गिरनार चल दिए, आसन्न भव दीक्षा लेने साथ चल दिए। कुछ लोग बोले हम तो परमात्मा आपकी बारात में आए थे, अब आपकी बारात जिधर जा रही है उधर ही जाएंगे है? 1000 राजा दीक्षित हुए, किन 1000 नेमनाथ भगवान के साथ में है, 1000 मुनराज नेमनाथ भगवान कपड़े फेंक रहे हैं, काले काले वाल उखाड़ रहे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे काले काले केस उखाड़ रहे हैं, ए काले काले कर्म उखाड़ रहे हैं, काले काले केस उखाड़ करके क्या बता रहे हैं, जैसे काले काले कर्म ही उखाड़ करके फेंक रहे हूँ। गूंजाता जय जयकार उत्सव धर्म में हुआ, तप कल्याण के का सुविनियोग देवो ने किया। प्रतिंद्रादिक पाल की ले गए और बड़े उत्सव के साथ में वो गिरनार की ओर परमात्मा चल दिए है, और वहां जाकर वस्त्राभूषण फेंके, नमा सिद्धि भया क्या वो दीक्षित हो गए, और नैमिना नैमिनाथ महा मुनिराज मुनि अवस्था धारण की थी ना, वैराग्यमयी दीक्षा कल्याणक देवास की। आज भाई वैराग्य का दिन है, राग का दिन नहीं है, राग में ना जाए वैराग्य का दिन, आज वैराग्य का दिन है, दीक्षा का दिन है। सोचना वे गिरनार चले गए, हम मंदिर में ना पाए, हम स्वाध्याय ना कर पाए तो हमारा दिन सार्थक कैसे होगा। आज उन तोड़ना भगवान छोड़ के सब कुछ छोड़ा है, हम आंशिक छोड़ दें। हमने पहले आपसे कहा था वे कपड़े फेंक रहे हैं, आप कपड़ा पहनना सीख जाओ, वे बोलना बंद करेंगे नैमिनाथ आज मौन हो गए, आप बोलना सीख जाओ, वे चलना बंद कर दिया आप चलना सीख जाओ, समझ में, वो हार लें छोड़ रहे हैं आप भोजन करना सीख जाओ, तो ही भगवान का दीक्षा की महोत्सव की अनुमोदना सार्थक हो जाएगी। तब गुजाता जय जयकार उत्सव धर्म में हुआ, तप कल्याण के का सुविनियोग देवों ने किया, साक्षात दिगंबर हुए अत्यंत वाचा बुते, भाऊ प्रभु समी भावना चुटू विवाह से, प्रभु ने मी श्री ने भी प्रभु की वंदना करूं भक्ति भाव से, प्रभु समी बाऊ भावना चूट सुनो जी मंगल जैन पुराण। अभी तो एक प्रसंग और आएगा, भगवान दीक्षित हो गए हैं, अब ये समाचार महलों में पहुंचे, फिर राजुल क्या करेंगी इसी का प्रसंग है, तो इसको और अपन सागर दत्त चक्रवर्ती को सुबह ही पूरा करेंगे संध्या की वेला में। देखो अभी तक की कथा मृगांक लेखा की अद्भुत प्रकार से अंजना जी की तरह थोड़ी सी कुछ चेंज, कुछ स्थान जो है जो बदले हैं, बंद कर दो हैं? अंजना जी की कथा जैसी चलती है वैसी लगभग वैसी कथा थी, और आज से देखेंगे वो कैसे कैसे पुण्य और पाप के खेल दिखाता है। पुण्य आएगा तो कुछ अलग संयोग मिलाएगा, और पाप आएगा तो अलग संयोग मिलाएगा, लेकिन वे पुण्य और पाप दोनों के संयोगों से न्यारे स्वभाव को पाएंगे। बड़ी लंबा प्रसंग है, और बड़े लंबे प्रसंगों में बहुत अच्छी कथा है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना मोटा ग्रंथ है, मुझे तो लगता है कुछ समय मेरे पास कम रहेगा तो मुझे सुबह शाम में वो कथा पूरी करनी पड़े, लेकिन वो पूरी कथा मृगांक लेखा की अपन उनके पूर्वाओ उनके पति का योग उनके पुत्र कहाँ जाएगा, वो जन्मा ऐसा नहीं है कि
अद्भुत प्रकार की शिक्षाओं के साथ अपन संध्या की कथा प्रारंभ करेंगे और ये प्रकरण आगे लेंगे। ओम नमः सिद्धेवाय नमनाथ भगवान। भगवान का दीक्षा महोत्सव की निज निधि निज में बताई।